नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत की फाइनेंशियल सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत का जो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट, अगर हम बात करते हैं BSE की, तो दोस्तों आज वो 2% से भी ज़्यादा उसमें गिरावट आई है। दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में दो तरह के चीज़ें होती हैं, एक बियर मार्केट होती है, एक बुल मार्केट होती है। बुल मार्केट में मार्केट आगे की तरफ भागती है, यानी कि मार्केट नई ऊँचाइयों को छूती है, और बियर मार्केट में ये होता है कि मार्केट नीचे गिरती है, यानी कि प्राइसेस शेयर के नीचे गिरते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि बहुत बुल चल रहा था, बहुत मार्केट आगे चल रही थी, लेकिन जब से ये इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध की बिल्कुल हालात पैदा हो गए, उसके बाद से अब भारतीय बाज़ार में गिरावट आनी शुरू हो गई है, यानी कि अब वो बियर मार्केट की तरफ चल रहा है। आज जैसे कि 2% से ज़्यादा की गिरावट हुई है, मतलब ये सोच लीजिए कि अच्छा खासा भारत में नुकसान हो चुका है, 10 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि सुबह जब वैल्यू थी वो 475 लाख करोड़ की थी, शाम तक वो 465 लाख करोड़ की रह गई, यानी कि ये समझ लीजिए कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट है, लोग परेशान हो गए। इसमें एक कारण तो ये है, इज़राइल और ईरान के बीच जो युद्ध वाली स्थिति तैयार हो गई है, ये पहला कारण है और ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद दूसरा कारण जो है वो कच्चे तेल के प्राइसेस जो बढ़ने शुरू हो गए, ये भी एक कारण है। इसमें अगर देखा जाए तो कच्चा तेल का जो प्राइस बढ़ा है, इसके पीछे जो कारण है ये मेन यही है कि जो इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध के हालात हैं, क्योंकि जैसे ही ये युद्ध बढ़ जाएगा, युद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही कच्चे तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में भारतीय बाज़ार जो है, शेयर मार्केट, इसमें और ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था दूसरा कारण कच्चे तेल का। इसके बाद तीसरा कारण है जो FII जो हैं ये सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। अब जब वो बेच रहे हैं तो इसका मतलब वो नीचे प्राइस होंगे, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं, तो अब जो ख़रीद रहे हो कम पैसे में ख़रीद रहे हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है। दोस्तों ये एक तीसरा कारण है। इसके बाद कुछ सेबी ने अपने नियमों में भी बदलाव किया है। अब वो अभी दरअसल सेबी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें ये जारी किया था कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, इसकी जो ट्रेडिंग करते हैं, इसमें लगभग 91% लोग ऐसे हैं जो लॉस खाकर बैठे हुए हैं, मतलब 100 में 91 लोग ऐसे हैं जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में लॉस हुआ है। अब दोस्तों इतना बड़ा नंबर है, सोचिए सिर्फ 9 लोग हैं जो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं और 91 लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं, जो मार्केट में अपना पैसा सिर्फ दे रहे हैं। तो इनके लिए तो कुछ कानून लेकर आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो 91% लोग हैं तो बहुत बड़ा नंबर है, ये परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए सेबी ने कुछ बदलाव करे हैं। वो बदलाव तो लेकर आ गई है सेबी, लेकिन इसको मार्केट ने उतना पॉजिटिव लिया नहीं, उतना उसको जैसा कि प्रोत्साहित करना चाहिए वैसा कुछ किया नहीं, बल्कि मार्केट में उसका निगेटिव भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब निगेटिव इम्पैक्ट है तो दोस्तों बनी हुई बात है, उससे शेयर प्राइस गिरेंगे, शेयर मार्केट जो है वो नीचे आएगी। तो ये दोस्तों आज वही देखने को मिला कि आज भी वो नीचे आ चुकी है शेयर मार्केट। दोस्तों आपको बता दें तो करीब 1770 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आज गिरा है, यानी कि 2.1% है। अब दोस्तों ये मार्केट वही है जो 85,000 को भी क्रॉस हो गया था, अब वही 82,000-83,000 के बीच में आके फिर से खड़ा हो गया मार्केट। ये एक चिंता की बात भी है, क्योंकि इज़राइल और ईरान का युद्ध अब कितना लंबा चलेगा, अभी युद्ध स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये टेंशन कैसी बनी रहेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मार्केट हर एक चीज़ पर रिएक्ट करता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। अब ग्लोबली कोई भी चीज़ होती है तो वो अछूती नहीं होती है, सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं एक से दूसरी में। तो शेयर मार्केट जो इंडिया का है उसमें इनके युद्ध का भी असर है, ये देखने को मिल रहा है। अब ये नुकसान जो है ये भारतीयों का नुकसान है, या उसके जो इन्वेस्टर है, चाहे वो थोड़े भारत के हों या बाहर के,
सभी का नुकसान हो रहा है, करेंसी इंडिया की नुकसान में है। दोस्तों ये सारी चीज़ें नुकसान वाली चीज़ें हैं, बल्कि इसके बाद अगर देखें तो भारतीय इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर नहीं है। भारत के अंदर जो माहौल है वो सब पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो ईरान और इसराइल के युद्ध के जो हालात बन रहे हैं ये सारी चीज़ों को निगेटिव कर रहा है। इसकी वजह से मार्केट में सब तहस नहस हुआ जा रहा है। सोचिए 2% बहुत बड़ा नंबर होता है, एक दिन में 2% गिर गई है, और ये पहली बार नहीं गिरी है, ये पिछले कुछ सेशन में देखा जा रहा है कि कंटिन्यू ये मार्केट में गिरावट बनी हुई है। दोस्तों अब इस पे कुछ पॉजिटिव चीज़ आती है, कोई न्यूज जिसके कुछ मार्केट में रिकवरी होती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।